हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति है। शक्ति, आज क्या सीखने वाली हैं? रिवर्स करना सीखना है। तो सबसे पहले तो न्यूट्रल करो गियर को और रिवर्स गियर डालो। हो गया कंफर्म? चलो, अभी स्टीयरिंग को आप, अगर गाड़ी को आपको राइट साइड ले जाना तो स्टीयरिंग को राइट की तरफ रोटेट करना है, और लेफ्ट ले जाना तो लेफ्ट। अपने राइट वाले आरबीएम को चेक करो, लेफ्ट वाले आरबीएम को चेक करो। ठीक है, ठीक है। अभी धीरे धीरे आपको जो क्लच को रिलीज करो, नजर आपकी सामने नहीं रहनी चाहिए, सामने से कोई लेना देना नहीं। गाड़ी बैक में जा रही है तो बैक साइड आपको फोकस करना, ब्रेक जरा सा भी नहीं दबा होना चाहिए। झटके से क्लच छोड़ा इसलिए इंजन बुझ गया। एसी ऑन है ना गाड़ी में, इसलिए झटके से क्लच छोड़ा। क्लच को उतना छोड़ो जितने में गाड़ी रेंगे, ना कि पूरी तरीके से गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाए। धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो। हाँ, बहुत धीरे धीरे, हल्का सा लेफ्ट लेके आओ स्टीयरिंग, लेफ्ट और थोड़ा लेफ्ट। हाँ हाँ हाँ, आने दो बस। अब हल्का राइट रखो, राइट थोड़ा सा, बस हल्का सा लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ थोड़ा। जब स्टीयरिंग को आप लेफ्ट रोटेट करोगे तो गाड़ी का बैक साइड वाला हिस्सा लेफ्ट जाएगा। अभी बीच में चल रही हो आप, लेफ्ट आओ और, ताकि पीछे से कोई गाड़ी आए तो वो आपको डिस्टर्ब ना करे। हल्का सा राइट रखो, हल्का सा। हाँ देखो गाड़ी की पोजीशन, हल्का राइट रखो, थोड़ा सा राइट। हाँ और राइट रखो, हल्का राइट। हाँ अभी सीधी कर लो स्टीयरिंग, एकदम सीधा 3 और 9 पे। हल्का लेफ्ट आओ, हल्का। हाँ तो अभी बहुत दूर है, अभी मैं यहीं से टर्न कराऊंगा। लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट। हाँ अभी क्लच और ब्रेक पे पैर रखना, जब मैं बोलूंगा तो पूरी स्टीयरिंग राइट। अब राइट घुमा दो पूरी स्टीयरिंग फटाफट, जल्दी 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 घुमा दो, फुल फुल कटी रहने दो, फुल 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 जाने दो। अब पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक फुल क्लच, ब्रेक स्टॉप। अब वेरी गुड, अभी आपने कितनी स्टीयरिंग घुमाई राइट? डेढ़। ये पूरा राइट 90 डिग्री से घूम गया। अब इसको पहले डेढ़ राउंड सीधा करो, आधा हुआ। हाँ चलो, अब ये डेढ़ हो गया। अब इसको पहले गियर में करो उसी डायरेक्शन में। हाँ अब क्या करना है, पहले छोड़ना है ब्रेक, फिर छोड़ना हाफ क्लच। चलो हल्का सा एक्सेलेटर के साथ, ट्रैक्टर आ रहा है, हल्का एक्सेलेटर लेके रखो, फिर क्लच छोड़ो। शक्ति, मैंने बोला आपको कि हल्का एक्सेलेटर लेके फिर क्लच को रिलीज करो, आपने एक्सेलेट ही नहीं किया। किया था? थोड़ा सा किया। नहीं किया था, अगर किया होता तो गाड़ी बंद थोड़ी होती, इंजन बुझता नहीं। चलो जाओ। हाँ क्योंकि गाड़ी में एसी ऑन है ना, एसी ऑन है तो थोड़ा सा कंप्रेसर लोड ले रहा है, इंजन पे थोड़ा लोड पड़ता है। अब उड़ गई गाड़ी, यही तो सीखना है। बढ़ाओ स्पीड, यही तो कलाकारी है। अभी इंजन क्या कह रहा है? चलिए सेकंड गियर डालिए क्लच दबा के फुर्ती से। हाँ ये गुड। चलो अभी क्लच को रिलीज कर दो, बढ़ाओ स्पीड। अभी ज्यादा लहराना नहीं है। हाँ बहुत ज्यादा लहराओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको बीच में ले लो दोनों टायरों के। अपने लेफ्ट वाले ओआरबीएम को बार बार रिकॉल किया करो, खतरा हमेशा हमें लेफ्ट से ही रहता है क्योंकि कुछ लोग रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने लगते हैं। ठीक है, हल्का लेफ्ट आओ। हाँ गुड, हल्का राइट रखो और राइट। सामने गड्ढा है, हल्का राइट दबा लो, स्लो करो। हाँ राइट रखो, हल्का राइट। हाँ और लेफ्ट आओ, अभी सामने देखो ध्यान से, स्पीड कम। ऐसी कोई कंडीशन में गाड़ी आए कर उसको पासिंग डिपर जरूर दिया करिए, है ना। हल्का सा लेफ्ट आओ, आगे से टी पॉइंट से राइट चलना है तो राइट का भी सिग्नल दे दो, ब्रेक पे पैर रख के। टर्निंग के टाइम ब्रेक पे पैर होना कंपलसरी है, लॉन्ग हॉर्न पुश करो।
बस जाओ हल्का सा रेस लो, थोड़ा सा चढ़ाई है वरना कार का इंजन बुझ जाएगा, क्योंकि रास्ता थोड़ा रोड़े पड़े है ना। अभी राइट का सिग्नल दिया आपने, जाओ टर्न करो राइट, चलो थोड़ा आगे जाके, हाँ आधी गाड़ी निकलना जाने दो अभी, अब टर्न करो बस, इससे ज्यादा नहीं, चलो वेरी गुड, बढ़ा लो स्पीड। अब आ गया ट्रैफिक वाला एरिया। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हल्का राइट रखो, हाँ लेफ्ट आओ, चलो।